गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, आपां सारे जानदे आं कि समूह सिख जथेबंदियां दी कल एकत्रता गुरद्वारा साहब अटारी साहब सुल्तानवंड छेवें पातशाह दे पावन पवित्र स्थानां ते होई सी। उस विच समूह सिख नौजवानी ने समूह जथेबंदियां ने रल मिल के गुरमता कीता सी कि अपने इष्ट दी होई बेदबी जान बुझ के जुम्मेवार वालों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जिहड़ा धरोह कमाया गया सीगा उहदे वास्ते मोर्चाबंदी करन वास्ते गुरद्वारा मंजी दवान हाल मंजी साहब 14 सितंबर दी जिहड़ी तरीक निश्चित आ। परंतु अज हुणे हुणे बहुत सज्जणा दे वीरां दे फोन आए है कि जिहड़े कपटी खालसा पंथ दे दोखी ते सरसा साहिब दे चेले रह चुके, क्योंकि इन्हां ने तनखाह भी जिहड़ी ओह सरसा साहिब दे डेरे ते जाण दी इत्थे कल तक सब पूरी कीती सी। लौंगोवाल जिहड़ा पास्टरां दे कोल भी अक्सर जी दीआं फोटोआं तुसीं देखदे हो, उहने अज इक बड़ा भद्दा ते गैर जुम्मेवाराना बयान दित्ता है जिहड़ा मुगल हकूमत नूं अंग्रेज हकूमत नूं सारी डिक्टेटरशिप नूं मात पाउंदा है कि इहने गुरु घर नूं अज अपनी निजी जगीर समझ लिया हैगा। असीं समूह खालसा पंथ दे चरणां च बेनती करना चाहुंदे आ कि गुरु घर किसे दी निजी जगीर नहीं है। गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब तों अज तक गुरु दे अदब सत्कार ते इस देश पंजाब दी शान सिखी दी शान वास्ते मोर्चे लगदे रहे हन। परंतु लौंगोवाल ने एक झूठा बयान दे के गुरसिखां नूं वरजना, ये कहना कि दीवान हाल मंजी साहब विखे पहुंचण नहीं दिता जाऊगा, ये खालसा पंथ दीआं परंपरां दी तुहीन है। सो असीं सारियां गुरसिखां नूं बेनती करदे हां कि इहो जिहा गुमराहकुन प्रचार तों बचिए। आओ असीं सारियां समुचियां जिन्नियां ओह जथेबंदियां कट्ठियां होईयां सी उहनां वन्नियों सारियां नूं बेनती करदे हां कि जिहड़ा गुरु साहिब दे घर दे उत्ते कीतियां गईयां बेनतियां कल तुहानूं सुनेहे मिले सी, उस सुनेहे नूं ज्योंदा त्यों समझा जावे, क्योंकि महाराज कहिंदे आ मेरा सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। महाराज ये भी फरमान है सच्चे पातशाह, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। आओ गुरु दे अदब सत्कार वास्ते लड़ाई नूं लड़न वास्ते शांतमई तरीके दे नाल वहीरां करत के गुरद्वारा श्री मंजी साहिब वल नूं पहुंचीए, शांतमई तरीके दे नाल जिहड़ी साडे इष्ट दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं एडी वड्डी गिणती विच इन्हां ने नरादरियां कराईआं ने, ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।